चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा अच्छा एग्जांपल, इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है हमें। भाई दो बीकर हैं ए और बी, जो कि क्लोज वेसल में प्रेजेंट है। बीकर ए कंटेन 152.4 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ यूरिया। बीकर बी कंटेन 196.2 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बोथ द सॉल्यूट अलाउ टू अटेन द इक्विलिब्रियम। डिटरमाइन वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन इट सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, दो बीकर एक क्लोज वेसल में रखे हुए, एक में आपका यूरिया सॉल्यूशन है, एक में आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि अब दोनों को हमने इक्विलिब्रियम पर अटेन किया है, तो बताओ आप अब आपका ग्लूकोज का वेट परसेंटेज सॉल्यूशन में क्या होगा। ऑब्वियसली कि जब इक्विलिब्रियम पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहानी होगी, किसी का मास बढ़ेगा किसी का मास कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले मोल्स ऑफ यूरिया की बात करें। यूरिया जो सॉल्यूशन था, ठीक है, 152.4 ग्राम जो एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, उसमें 12 ग्राम यूरिया, 12 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 60, तो ये 0.2 मोल्स यूरिया हो गए। सिमिलर यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 18 डिवाइडेड बाई 180 यानी कितना 0.1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा हम यहाँ पे यदि बात करें कि जो आपका सॉल्यूशन था यूरिया का और ग्लूकोज का, जब इक्विलिब्रियम पर अटेन होंगे तो इक्विलिब्रियम का होती क्या कहानी, इक्विलिब्रियम पे क्या बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ली शेटेलिए, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर रहने के लिए क्या अचीव करना चाहता है, इक्विलिब्रियम पर अचीव मतलब इक्विलिब्रियम पर रहना चाहता है, तो रिएक्शन जो होती है वो कहाँ चाहती है, रिएक्शन वहां जाती है जहां पे मास क्या पहले से कम हो, यानी कहीं कंसेंट्रेशन कम हो, जहां पे कोई ना कोई चीज चेंज आ रही हो, कम हो रही हो, कम वाली की साइड में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्या होता है शिफ्ट होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो एट इक्विलिब्रियम जो है वो आपका, क्योंकि तो बाकी बचा हुआ तो पानी है ना भाई, आपका यूरिया 18-12 ग्राम है इसमें, बाकी बचा हुआ तो वाटर है। सिमिलर इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी 196.2 ग्राम में तो वाटर है, तो वाटर का जो अमाउंट है, ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई आपका क्या होगी कहानी कि भाई जो सॉल्यूशन है वो आपका लो मास से हायर मास की तरफ या हायर मास से लो मास की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। शिफ्ट कहाँ होगा कि हाई मास वाले का सॉल्यूशन की मास कम होगा या लो वाले का, तो लो वाले का बढ़ जाएगा, क्योंकि तो इक्विलिब्रियम पर लाना चाहते हैं दोनों। इक्विलिब्रियम पर आने के लिए जो जहां पे मास कम था वहां पे आपका क्या होगा, मास शिफ्ट होगा, और जहां मास ज्यादा है वहां से वो पानी क्या जाएगा, कम वाले की तरफ जाएगा। तो यदि अपन एट इक्विलिब्रियम बोले तो एट इक्विलिब्रियम मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन मान लो एक्स अमाउंट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है हम बात करें, तो यूरिया सॉल्यूशन का मास क्या था कम, तो इसमें क्या हो जाएगा ऐड, ठीक, जबकि ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज पे आपका कम हो जाएगा, क्योंकि तो ग्लूकोज का मास ज्यादा था 196.2 माइनस एक्स ग्राम। ठीक, जो हम कर सकते हैं। अब आप एक और चीज जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम आपकी कंसंट्रेशन को हम इक्वल कर सकते हैं, इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इक्वल कर देते हैं, तो यूरिया यानी उसके मोल्स कितने 0.2 मोल डिवाइडेड बाय उसका मास ले सकते हो आप, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे कोई वॉल्यूम तो है नहीं। ठीक है, आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में परसेंटेज वेट बाय वेट भी ले सकते हो, कितना आ जाएगा 152.4 प्लस एक्स, और ग्लूकोज के लिए 0.1 मोल डिवाइडेड बाई कितना 196.2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 0.3x, और ये इधर लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया 80। x इक्वल टू 80 आने का मतलब क्या हो गया कि भाई जो ग्लूकोज सॉल्यूशन का मास है, मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन दोनों का निकाल सकते हो, वैसे तो मुझे परसेंटेज वेट ग्लूकोज का करना है, तो 196.2 माइनस 80 कर दो,
कितना हो जाएगा ये, वन वन सिक्स पॉइंट टू ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज अब हमें बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज अब क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बताना था ग्लूकोज का वेट कितना है भाई, 18 ग्राम है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का मास चेंज हुआ है, कितना 116.2 इंटू 100, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15.5% डी ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या समझाना है आपको बच्चों को कि भाई दो सॉल्यूशन थे, बीकर थे, दो बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन रखे हुए हैं, जब इक्विलिब्रियम पे अटेन हुए तो भाई एक का मास बढ़ जाएगा क्योंकि वाटर एक जगह से दूसरी जगह क्या होना जाएगा, शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो एक जिसका मास ज्यादा था उसका मास पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसका मास कम था सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो मान लेता हूं एक्स ग्राम आपका अमाउंट जो था वो यूरिया सॉल्यूशन का बढ़ गया, जबकि ग्लूकोज सॉल्यूशन का एक्स अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो होती है टर्म्स वो आपकी इक्वल हम कर सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज हमने इक्वल कर दिए ये, ठीक है, या वॉल्यूम को लेकर भी बोल सकते, मतलब आप मोलरिटी को लेकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिए। तो उससे हमें पता लगा कि भाई आपका 80 ग्राम जो वाटर था वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो ग्लूकोज सॉल्यूशन का मास था वो पहले 196.2 ग्राम था, वो अब कितना हो गया, 116.2 ग्राम हो गया। तो उसमें वेट परसेंटेज हमें बताना था ग्लूकोज का कितना हो गया, ठीक है।